कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ ठीक हो। इस टाइप के एवी प्लेयर टेम्पलेट कैसे बनाते हैं वो जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको एवी प्लेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में जो जो मटेरियल्स यूज करने वाला हूँ उसका सारे डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एवी प्लेयर ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। सिंपली लेफ्ट साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद विजुलाइजर पे क्लिक कर दो। तो विजुलाइजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स वाला आइकन है इस पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे लोड फ्रॉम फाइल इस पे क्लिक कर दो। और आपने जो मेरा एवी प्लेयर टेम्पलेट को डाउनलोड किया है, डाउनलोड पे जाके उसको यहाँ पे जो विजुलाइजर बोल के लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लो। तो उसको सिलेक्ट जब कर लोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, वरना आप इस टेम्पलेट को रेडी नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहो। तो सबसे पहले आपको जिस मॉडल को यहाँ पे सामने रखना चाहते हो उसका बैकग्राउंड आपको इरेज कर लेना है। पिक्सर आर्ट या इरेजर ऐप की मदद से आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का उसको इरेज कर लेना है। उसके बाद पेन वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे जो इमेज पे मॉडल बोल के लिखा हुआ है, सिंपली इमेज कस्टम इमेज पे जाके पिक इमेज, जो मॉडल का बैकग्राउंड आपने इरेज किया है उस इमेज को आपको ऐड कर लेना है। तो मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। जब फोटो को ऐड कर लोगे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद फिर से पेन वाले ऑप्शन पे टैप करो। टैप करने के बाद जो सेकंड वाला इमेज होगा उस पर आपको एक टेक्स्ट को ऐड करना होगा। उस टेक्स्ट पीएनजी का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली इमेज पे जाओ, कस्टम इमेज और पिक इमेज पे जाके उस इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर में जो बार है वो सारे बार को ऐड करना होगा आपको। बार को ऐड करने के लिए सिंपली पेन वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारे बार मिल जाएगा। बार 1 2 3 4 7 तक आपको बार मिल जाएगा, 8 तक आपको बार मिल जाएगा। सिंपली इस सारे बार को आपको क्या करना होगा, बार पे जाओ, जनरल पे जाके इसको विजिबल कर दो। आपको ये जो सेकेंड बार है इसको भी विजिबल कर दो। एक करके सबको आपको यहाँ पे जाके विजिबल कर देना है। तो सारे बार को जब आप विजिबल कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। के बाद आपका जो नीचे बार है कलर चेंजिंग उसको ऐड करने के लिए सिंपली पेन वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बार मिल जाएगा इस पे जो लास्ट बार है उस पे जनरल पे जा आपको जाना है और विजिबल कर देना है। आप चाहते हो इन सारे जो बार है उसका कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पेंसिल में जाना होगा। जाके यहाँ पे जो यहाँ पे बार है बार पे जाओ, यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, देख रहे हो कलर मिल जाएगा। तो आप चाहते हो तो कलर चेंज करना तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। के बाद जो मेरा मॉडल है उसका बैकग्राउंड पे जो विंग्स है डाना है गिप फाइल उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको पेन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जाके यहाँ पे आपको थर्ड वाला इमेज देखने मिलेगा जो कि बोल के लिखा हुआ है विंग्स बोल के। तो इसका भी गिफ्ट डाउनलोड फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको क्या करना होगा, जनरेट पे जाके उसको विजिबल कर दो। तो उसको विजिबल जब कर दोगे कुछ इस टाइप का आपको देखने मिलेगा। सारे सेटिंग कर दोगे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। टेम्पलेट रेडी हो जाने के बाद व्हाट्सएप वीडियो में एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा तो उस पे जाना है। प्रीसेट पे जाने के बाद आपको रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप चाहते हो तो जो 30 सेकेंड का वीडियो तो यहाँ से लेके सेट कर सकते हो, वरना आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक कमेंट शेयर एंड ऐसे न्यू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं और एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।